Hi friends, welcome back to CivilsTap. This is the 10th lecture under the previous year question series of the Science and Technology module और आज हम cover करेंगे second part of Biotechnology. तो start करते हैं अपने आज के lecture से. So friends, ऐसा कि आपको पता है कि हमने Science and Technology को 7 chapters में divide कर रखा था और पिछली 9 videos में हमने अपने 4 chapters को cover किया था, that is Space, Defense, Nuclear Energy और Diseases और plus Biotechnology का first part. और आज हम start करेंगे Biotechnology के second part से. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स अब बहुत नजदीक है, तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप कॉन्टिन्यूसली अपने आप को इवेल्युएट कर सके, आप प्रॉपर टेस्ट के फॉर्मेट में या टेस्ट माइंडसेट अपने आप को सेट कर सके. सो इसलिए हमने प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है जो कि है हमारा अभ्यास इनिशिएटिव. तो इस टेस्ट सीरीज को हमने 2 बैचेस में लॉन्च किया है. पहले बैच में हमने 10 ऑनलाइन टेस्ट इंक्लूड किए हैं और सेकेंड बैच में हमने 5 ऑनलाइन टेस्ट इंक्लूड किए हैं. आपको जिस भी फॉर्मेट में सूट करे आप वो टेस्ट सीरीज इनरोल कर सकते हैं नीचे गई डिस्क्रिप्शन पे जाके. तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर से. सो फ्रेंड्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी के लिए. हमने इसके पहले के 3 सब टॉपिक्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, क्लोनिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लास्ट लेक्चर में कवर किया था और आज हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, दैट इंक्लूड स्टेम सेल्स एंड अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, लेजर एक्सेट्रा. तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से. तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू स्टेम सेल्स. यहाँ ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2002 में. विद रेफरेंस टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन स्टेम सेल्स रिसर्च, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन स्टेम सेल्स आर द एम्ब्रियोज एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. यानी ह्यूमन सेल्स का ओनली सोर्स क्या है? द एम्ब्रियोज एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. सेकेंड, the stem cells can be derived without causing destruction to the blastocysts. Third, the stem cells can regenerate themselves in vitro virtually forever. And fourth, Indian research centers or also created a few cell lines which can be developed into many types of tissues. तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिमिलर है और स्टेम सेल से ही रिलेटेड है. सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था स्टेम सेल से. ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2012 में. विद रेफरेंस टू स्टेम सेल्स फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो यहाँ पे अगेन हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं स्टेम सेल्स के रिलेटेड और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट, स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड ओनली फ्रॉम एनिमल्स. सेकेंड, स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स. एंड थर्ड, स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपीज. तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं. सो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं, उनका सोर्स क्या होता है, उनकी एप्लीकेशन क्या होते हैं, क्या कहाँ से वो डिराइव करे जा सकते हैं. तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन में. तो सबसे पहले स्टेम सेल्स होते क्या हैं? स्टेम सेल्स बेसिकली एक ऐसे टाइप के सेल्स हैं जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं. तो सेल्स बेसिकली जैसे आपको पता है कि हर सेल का एक फंक्शन होता है, एक यूटिलिटी होती है, एक स्पेशल जगह होती है जहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं. बट स्टेम सेल्स की बात करें तो उनका कोई फिक्स फंक्शन नहीं रहता या कोई फिक्स टाइप नहीं रहती. वो किसी भी डिफरेंट सेल के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो ये खासियत है स्टेम सेल की, इसलिए हम कहते हैं ये बेसिकली एक अनडिफरेंशिएटेड सेल है जो किसी भी टाइप के अंदर या कितने भी और सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और मल्टीपल सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन डिफरेंट डिवीजन, तो इसलिए ये सेल्स जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं. ये जो सेल्स होते हैं इनके 2 मेन सोर्सेज होते हैं. अगर हम बात करें, सबसे पहले होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं दे आर बेसिकली डिराइव फ्रॉम अ 4 or 5 ईयर ओल्ड ह्यूमन एम्ब्रियो, जिस फेज को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट फेज. यानी जब एम्ब्रियो 4 या 5 डेज का ओल्ड होता है तब उसमें कैपेसिटी होती है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली स्टेम सेल्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. क्योंकि ऐसे सेल्स किसी भी पूरे बॉडी ऑर्गन्स के सेल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. तो क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एक ही टाइप के सेल से बन सकता है, तो इस टाइप का एम्ब्रियोनिक सेल जो होगा वो बेसिकली एक स्टेम सेल की तरह एक्ट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेम सेल से ब्रेन्स के सेल्स बन सकते हैं, हार्ट के बन सकते हैं, मसल्स के बन सकते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारे एक ही सेल से बना रहे हैं. तो ये खासियत है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की. नेक्स्ट हम बात करते हैं एडल्ट टिश्यू की. एडल्ट्स में भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है, बट इनके अंदर जो स्टेम सेल्स की कैपेसिटी होती है, अनडिफ्रेंशिएशन की जो कैपेसिटी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहती है. ये हर टाइप के सेल्स नहीं बना सकते, कुछ ही टाइप के सेल्स बना सकते हैं. ये जो अडल्ट टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं दीज आर बेसिकली फाउंड इन ब्रेन, बोन मैरो, लीवर एंड ब्लड. यानी ये इन्हीं जगह पे फाइंड किए जाते हैं, उसके अलावा कहीं पे नहीं. उसके अलावा अगर हम प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड की भी बात करें तो वहाँ पे भी स्टेम सेल्स रिच होते हैं। सो बेसिकली ये नॉन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, और अडल्ट ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम यहीं से अपने स्टेम सेल्स को डिराइव करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो अडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं उनमें ये डिफरेंस रहता है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में नहीं कर सकते, उनमें एक लिमिट है, वो हर टाइप के सेल्स नहीं बना सके। तो इसी पोटेंशियल को हम कहते हैं पोटेंसी। पोटेंसी बेसिकली डिफाइंस द डिफरेंशिएशन पोटेंशियल ऑफ अ सेल, यानी वो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है वो डिफाइन करता है उसकी पोटेंसी को। अगर कोई सेल कम्प्लीटली पोटेंशियल है, वो किसी भी टाइप के सेल्स में बदल सकता है लाइक एन एम्ब्रियोनिक सेल, तो उसे हम कहते हैं दैट इज अ टोटीपोटेंट सेल। और धीरे धीरे सेल्स की जो डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती रहती है। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जो डिफरेंशिएशन होती है टोटीपोटेंट में, उसके बाद आते हैं प्लूरीपोटेंट, नेक्स्ट मल्टीपोटेंट, फिर उसके बाद ऑलिगोपोटेंट एंड लास्टली यूनिपोटेंट। तो कोई भी अगर सेल है वो यूनिपोटेंट तो होता ही है, क्यों? क्योंकि वो खुद के सेल डिवीजन जब परफॉर्म करेगा वो खुद के टाइप के सिमिलर सेल जरूर परफॉर्म करेगा। सो प्लूरीपोटेंट सेल्स की बात करें तो उसके कॉमन एग्जांपल्स रहते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ बॉडी में हमारे ये सेल्स मिलते हैं लाइक बोन मैरो सेल्स या नर्व सेल्स, तो वहाँ पे प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। उसके बाद आते हैं मल्टीपोटेंट सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली ऑलमोस्ट प्लूरीपोटेंट तो क्या होते हैं कि हर टाइप के ऑलमोस्ट सेल्स बन सकते हैं एक्सेप्ट 1 और 2, लेकिन मल्टीपोटेंट की बात करें तो एक स्पेसिफिक फैमिली ऑफ सेल्स, यानी अगर कोई ऑर्गन सिस्टम है तो उसके सारे सेल्स बन पाएंगे इन मल्टीपोटेंट सेल्स की अगर हम बात करें तो। उसके बाद आते हैं ऑलिगोपोटेंट सेल्स, जिसके कॉमन एग्जाम्पल रहते हैं लिम्फेटिक सेल्स जो होते हैं हमारे लिम्फोइड सिस्टम में जो सेल्स होते हैं वो इसके कॉमन एग्जाम्पल रहते हैं, एंड लास्टली यूनिपोटेंट सेल्स लाइक मसल सेल्स। तो ये कुछ सेल्स हैं जो कि सेल्स के डिफरेंशिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल टू डिवाइड। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी स्टेम सेल्स में बहुत ज़्यादा रिसर्च कंडक्ट करना स्टार्ट करी है, क्यों? क्योंकि इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है टू ट्रीट द डिजीजेज दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय नॉर्मल ट्रीटमेंट्स या वैक्सीन जिनके अवेलेबल नहीं है, उनको हम स्टेम सेल थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। सो इंडिया की बात करें तो ICMR ने इसमें रिसर्च कंडक्ट करी है। और इंडिया की एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया में स्टेम सेल थेरेपी जो है वो लीगलाइज है, इट इज़ नॉट बैंड। इंडिया के अंदर हम स्टेम सेल्स जो है वो कहाँ से ले सकते हैं? इट कैन बी टेकन फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एडल्ट स्टेम सेल्स, वी कैन नॉट टेक इट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, वो अभी रिसर्च रिस्ट्रिक्टेड है उसकी। तो क्योंकि स्टेम सेल्स में जो जनरल इशू आता है वो एथिकल इशू रहता है इन्वॉल्व, क्यों? क्योंकि बेसिकली हम एक ब्लास्टोसिस्ट सेल के जो ब्लास्टोसिस्ट सेल होता है वो बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं, वो एक डिबेट रहती है। तो क्योंकि उसके अंदर कुछ सेल्स, हम सारे सेल्स को यूज नहीं करते, कुछ सेल्स हम अनयूटिलाइज छोड़ देते हैं, सो वी आर बेसिकली किलिंग अ लाइफ। तो ये इसकी एक एथिकल डिबेट है जो कि स्टेम सेल्स के अराउंड रहती है। तो इसलिए इंडिया में जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की रिसर्च है वो अभी रिस्ट्रिक्टेड ही है। तो स्टेम सेल्स की एडवांटेज की बात करें, क्यों हम इसको इतना परस्यू कर रहे हैं, तो पहला एक रीजन तो हम आपको बता ही चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशंस एंड डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसन डिजीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, अल्जाइमर, जो भी ऐसे डिजीजेज हैं जिनका प्योर अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई है, तो उसके लिए हम इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए हम स्टेम सेल्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद इससे हमें एक ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर नॉलेज मिल सकती है, जो भी ह्यूमन्स में म्यूटेशंस आ रही हैं उनके सेल्स के रिलेटेड जो भी मिस्ट्रीज हैं उसको हम अनरावल कर पाएंगे। एंड लास्टली क्योंकि ये स्टेम सेल्स जो होते हैं हमारी खुद की बॉडी से ही डिराइव्ड होते हैं कहीं ना कहीं, तो इनके रिस्क ऑफ रिजेक्शन जो है वो बहुत कम रहता है। तो ये कुछ इनके एडवांटेजेस हैं। चैलेंजेस की बात करें तो हम आपको बता चुके हैं, सबसे बड़ा चैलेंज रहता है इसकी एथिकल डिबेट को लेके रिलेटेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट सेल। उसके अलावा इसके कुछ अननोन साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, दो ये सेल की बॉडी से ही डिराइव सेल है, बट लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफेक्ट्स होंगे इस पर अभी रिसर्च थोड़ी कम हुई है। लास्टली उसके बाद जो एडल्ट सेल्स है, क्योंकि स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक की स्टेम सेल्स को हम एथिकली लिमिट कर देते हैं, बट जो एडल्ट सेल्स होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन कैपेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, लिमिटेड होती है। सो इसलिए भी एक चैलेंज है जिसको ओवरकम करना जरूरी है। सो ये एडवांटेजेस हैं और चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू स्टेम सेल्स। So now let us try to answer the questions that we started related to stem cell search. सबसे पहला क्वेश्चन जो था ये पूछा गया था 2002 के प्रीलिम्स में। तो यहाँ पे हमें चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिलेटेड टू स्टेम सेल। सबसे पहली स्टेटमेंट देखते हैं, द ओनली सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स आर एम्ब्रियोज एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो ये गलत है, क्योंकि स्टेम सेल्स बेसिकली दो मेन सोर्सेज होते हैं, सबसे पहला है एम्ब्रियोनिक और दूसरा था एडल्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। सो इस बेसिस से आप डायरेक्टली आंसर कह सकते हैं कि 3 और 4 होगा। सो कई बार आपको एलिमिनेशन से ही कई बार हम श्योर नहीं हो पाते आंसर क्या होगा, तो कंफ्यूजन के बजाय आप एलिमिनेशन तरीके को अपनाएं, यू विल श्योरली गेट द राइट आंसर। सो सेकंड भी एक बार देख लेते हैं, स्टेम सेल्स आर कैन बी डिराइव्ड विदाउट कॉजिंग डिस्ट्रक्शन टू ब्लास्टोसिस्ट। तो ये भी गलत है, हम पढ़ चुके हैं इसके रिलेटेड एथिकल डिबेट ऑलरेडी चल रही है। एंड थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, इंडिया ने इसके अंडर रिसर्च कंडक्ट की है एंड इट कैन रीजनरेट देमसेल्व्स इन इनवर्टो वर्चुअली फॉर एवर। तो क्योंकि स्टेम सेल्स की जो डिफरेंशिएशन कैपेबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, तो ये स्टेटमेंट्स दोनों बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेम सेल से रिलेटेड जो था ये पूछा गया था 2012 में। सबसे पहला, स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम मैमल्स ओनली। सेकंड, स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स। एंड लास्टली, स्टेम सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल थेरेपीज। तो जो स्टेम सेल्स हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैमल्स में ही होंगे, वो किसी भी एनिमल प्लांट्स में हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कहना कि वो सिर्फ मैमल्स में होंगे ये गलत है। बाकी के दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि हम स्टेम सेल्स को एज अ पोटेंशियल टू टेस्ट न्यू ड्रग्स या फिर मेडिकल थेरेपीज में हम इसे यूज कर रहे हैं टू ट्रीट डिजीज लाइक कैंसर थेरेपीज, अल्जाइमर। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2007 में। Which of the following types is used by computed tomography employed for visualization of internal structure of human body? यानी computed tomography जो होती है वो human body की evaluation के लिए इनमें से कौन सी technique को use करती है? First X-ray, second South waves, third magnetic resonance या D radio isotopes। तो हमें बताना है कि इनमें से किस technology की help से हम जो imaging है body के वो कर रहे हैं। So let us see what is computed tomography. Firstly, computed tomography या CT scan जो होता है वो basically एक imaging procedure है which uses X-ray। तो यानी ये X-ray particles की जो rays होती हैं, radiations होती हैं, उसकी help से हम basically एक image create कर रहे हैं body की। जो word tomography है that is comes from the Greek word tomos and graphene। तो tomos का मतलब है to slice and graphene का मतलब है to write। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक बॉडी का जो ऑर्गन है उसको मल्टीपल लेयर्स में स्लाइस कर रहे हैं ताकि हम उसे वैल्यूएट कर सकें, उसको देख सकें और फिर फाइनली उसकी एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर बॉडी का देख सकें। सो ये होती है हमारी सिटी स्कैन। सिटी स्कैन के सिमिलर एक और टेक्निक एग्जिस्ट करती है, वो होती है पीईटी या पॉजिट्रॉन एमिशन टेक्निक जो होती है। यहाँ पे हम बेसिकली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो कि हम आपको पिछले अपने न्यूक्लियर एनर्जी वाले चैप्टर में ऑलरेडी बता चुके हैं। सिटी स्कैन की अगर हम बात करें तो उसके रिलेटेड जो मेन इशू रहता है कि अगर इसका एक्सेस यूज करें देन इट कैन डैमेज आवर बॉडी सेल्स। क्योंकि जो रेडिएशन यूज हो रही है उसमें वो दो लो रेंज की होती हैं, लो डोसेज की होती हैं, बट अगर इनकी डोसेज कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रहे तो ये बॉडी के डीएनए सेल्स को म्यूटेट कर सकती हैं या डैमेज कर सकती हैं। तो ये सिटी स्कैन की एक डिसएडवांटेज रहती है। अब हम देखेंगे कि बाकी की और ऐसी कौन सी सिमिलर टेक्निक्स हैं जो कि हम मेडिकल इमेजिंग में यूज करते हैं। सबसे पहले मेडिकल इमेजिंग होता क्या है? मेडिकल इमेजिंग बेसिकली एक टेक्निक है या प्रोसेस है जिससे हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की, जिसको हम एक्सटर्नली हमारी नेकेड आई नहीं देख पा रही है। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज करते हैं। इट कैन बी बेस्ड ऑन न्यूक्लियर टेक्निक्स, इट कैन बी बेस्ड ऑन आइसोटोप स्कैनिंग या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बेस पे हो सकते हैं या फिर एंजियोग्राफी हो सकती है। तो कोई भी जो टेक्निक्स होती हैं जो डिफरेंट इमेजिंग के लिए हम यूज करते हैं दैट ऑल कम्स अंडर मेडिकल इमेजिंग। इसके लिए हम ये जो टेक्निक्स होती हैं दे कैन बी यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेज यानी जस्ट टू इवेल्युएट, और कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सर्जिकल पर्पसेज यानी क्लिनिकल इमेजिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं हम उसे, डायग्नोस्टिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, रेडियोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट यूटिलिटीज हो सकती है मेडिकल इमेजिंग की। मेडिकल इमेजिंग की बात करें तो अब हम देखेंगे कुछ कॉमन मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स। सबसे पहला है फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी एक ऐसी इमेजिंग टेक्निक है जो कि यूज करती है एक्सरेज को। यहाँ पे हम बेसिकली एक रियल टाइम इमेज क्रिएट कर रहे हैं बॉडी की बाय यूजिंग एक्सरेज, और ये जो टेक्निक है इट इज यूज्ड इन डायग्नोसिस एंड थेरेपी बोथ। यानी ये सिर्फ देखने के लिए ही नहीं बल्कि थेरेपी के लिए भी यूज करते हैं इन रेडियोलॉजी एंड इमेज गाइडेड सर्जरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्लोरोस्कोपी इज based on X-ray and it can be used in diagnosis as well as therapy. तो ये generally use कहाँ पे होते हैं? ये use होती है to see the structure and internal function of the patient like heart pumping या उसके swallowing motion को देखने के लिए। तो यहाँ पे fluoroscopy को हम use करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है MRI. MRI इज अगेन अ मेडिकल इमेजिंग टेक्निक जो कि यूज होती है इन रेडियोलॉजी. यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, अनलाइक प्रीवियस टेक्निक जहाँ पे हम एक्सरेज को यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज करते हैं. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्रिएट होती है, जो कि ज्यादा, जिनकी पेनिट्रेशन पावर्स होती है, इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सिटी स्कैन या नॉर्मल एक्सरे से. MRI की जो पावर रहती है वो ज्यादा रहती है. यहाँ पे हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड किसकी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम्स को. क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो बॉडी में एबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं. तो क्योंकि बॉडी में हाइड्रोजन की कमी नहीं होती, हमारा जो बॉडी है उसमें वाटर कंटेंट जो होता है वो ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन. तो क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन रहता है, तो अगर हम इनकी इमेजिंग करेंगे, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको टेस्ट करेंगे, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है. सो बेसिकली इसीलिए हम हाइड्रोजन एटम को यूज करते हैं MRI स्कैन में, ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट इमेजिंग टेक्निक जो हमें पढ़नी है वो है EEG. तो EEG जो है वो सिर्फ एक इमेजिंग टेक्निक नहीं बल्कि एक मॉनिटरिंग मेथड भी रहता है. ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक वेव्स की हेल्प से या इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम ब्रेन को मॉनिटर करते हैं. तो यहाँ पे हम वोल्टेज फ्लक्चुएशंस मेजर करते हैं और उसी से हम न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग को डिटेक्ट करते हैं. सब ये बेसिकली यूज किया जा सकता है टू डायग्नोस स्लीप डिसऑर्डर्स, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, कोमा या ब्रेन डेथ. तो ये बेसिकली जो भी ब्रेन रिलेटेड इंजरीज या डिजीज हो सकते हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. सबसे पहले 1875 में रिचर्ड केटन ने इसे यूज किया था और उसके बाद डिफरेंट एनिमल्स की EEG से की गई है. फॉर एग्जांपल एक मैमेलियन, सबसे पहला जो मैमेलियन जिससे इसकी ECG की गई थी वो थे रैबिट्स एंड मंकीज, उसके बाद फॉलोड बाय डॉग्स एंड फाइनली ह्यूमंस की जो EEG थी वो फर्स्ट टाइम की गई थी 1924 में बाय जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट हैंसबर्गर. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन से पहले एनिमल्स की हुई थी. आफ्टर कंप्लीट सक्सेसफुल टेस्टिंग ह्यूमन बेसिस टेस्ट किया गया था. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इमेजिंग या मॉनिटरिंग टेक्निक की, वो है ECG. ECG दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी. तो कार्डियो आपको पता है कि हार्ट मसल्स के लिए कार्डियक वर्ड यूज होता है. तो यहाँ पे हम हार्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज. इसके बेसिकली ECG की अगर हम बात करें तो इसमें तीन वेव्स की हेल्प से हम मॉनिटरिंग करते हैं, P वेव्स, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव्स. तो ये आपको ध्यान रखना है कि P वेव्स जो कि हम आपने पढ़ा होगा, P वेव्स जो टर्म है वो अर्थक्वेक्स में के रिलेशन में भी यूज होती हैं, लेकिन P वेव्स जो टर्म्स है वो ECG के रिलेशन में भी यूज होती हैं. तो समटाइम्स इट कैन बी अ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट वेयर बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग P वेव्स कैन बी गिवन. और लास्ट इमेजिंग टेक्निक जो हमें पढ़नी है वो है मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी. तो सोनोग्राफी आपको पता है वो जनरली यूज होती है टू इमेज द फीटस ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन. और इसकी जो इमेजिंग है फॉर इज करंटली बैंड फॉर टेस्टिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, लेकिन हम जनरल सोनोग्राफी अलाउड है. दिस बेसिकली क्रिएट्स 3D इमेजेस ऑफ द फीटस बाय यूज ऑफ साउंड वेव्स विच हैव फ्रिक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्स. यानी 20,000 हर्ट्स से जिन फ्रिक्वेंसीज की ज्यादा है उसकी साउंड वेव्स की हेल्प से हम सोनोग्राफी कर सकते हैं. So other than fetus imaging, it can be used in other situations also, like imaging of abdominal organs, hearts, breasts, muscles, arteries and veins. तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ fetus imaging के लिए ही यूज किया, इसे other जगहों पे भी यूज किया जाता है. So now let us try to answer the question. तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कम्यूटेड टोमोग्राफी जो है वो कौन से टेक्निक को या टाइप को यूज कर रही है टू विजुअलाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सो इसका आंसर होगा A, एक्सरे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोस्कोपी से रिलेटेड, दैट वाज आस्क्ड इन 1999 प्रीलिम्स. एंडोस्कोपी अ टेक्निक यूज्ड टू एक्सप्लोर द स्टमक और द अदर इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ A, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, B, इंटरफेरेंस, C, डिफ्रैक्शन या D, पोलराइजेशन. तो इनमें से कौन सी टेक्निक के ऊपर एंडोस्कोपी बेस्ड है. सो लेट अस सी व्हाट इज एंडोस्कोपी. एंडोस्कोपी जो है वो अगेन एक इमेजिंग का टेक्निक है या मेडिकल इमेजिंग की टेक्निक है, बट इसका डिफरेंस जो अभी तक हमने मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स पढ़े थे वो नॉन इन्वेसिव थी, यानी उसमें हम कुछ बॉडी में इंसर्ट नहीं कर रहे थे. अनलाइक दिस एंडोस्कोपी जो है एक इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है. तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये बेसिकली एक इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है. दूसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम एंडोस्कोप यूज करते हैं. एंडोस्कोप में हम क्या करते हैं, एक बॉडी की जो नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं लाइक माउथ, थ्रोट के अंदर से हम एक क्यूब को इंसर्ट करते हैं जो कि हमारे मसल स्टमक के अंदर जाता है और फाइनली हम स्टमक्स को उसके थ्रू हम स्टमक को देखते हैं या डिटेक्ट करते हैं. सिर्फ स्टमक की एंडोस्कोपी नहीं हो सकती। एंडोस्कोपी की और भी ब्रांचेस है लाइक ब्रोंकोस्कोपी, हिस्टीरोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्कोपीज जो होती हैं वो यूज की जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स की मॉनिटरिंग के लिए या उनकी इमेजिंग क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकोस्कोपी यूज की जाती है लंग्स के लिए या टू चेक कि परसिस्टेंट कफ क्यों रह रही है। नेक्स्ट अगर हिस्टीरोस्कोपी की बात करें तो वो वूम्स के लिए यूज की जाते हैं, हमारे यूट्रस की यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। उसके बाद सिस्टोस्कोपी की बात करें तो वो अगेन यूरिनरी ब्लैडर की जो इश्यूज होते हैं उसको टेस्ट करने के लिए यूज की जाती है। अब अगर हम एंडोस्कोप या एंडोस्कोपी की बात करें तो वो किस टेक्निक पे बेस्ड होती है वो देखते हैं। एंडोस्कोप जो होता है वो बेसिकली एक बंडल ऑफ ऑप्टिकल फायर्स के ऊपर बेस्ड होता है, यानी एक ऑप्टिकल फायर होती है जो कि जिसके अंदर एक क्लैडिंग होती है, उसके अंदर से हम एक रेज पास करेंगे और ये जो रेज है ये विद इफेक्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके थ्रू हम एक इमेज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से एक इमेज के थ्रू आपको बताया है कि एंडोस्कोप कैसे वर्क करता है। सबसे पहले क्या होता है, एक लाइट के सोर्स से हम लाइट को अंदर भेजते हैं इन ट्यूब्स के अंदर जो कि ऑप्टिकल फाइबर्स की ट्यूब्स होती है। वहां से ये विद हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा, ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो इसकी इमेज जो है या बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो इमेज है वो पहुंचेगी इन दी ऑब्जर्वर्स आईज। तो ये जो एंडोस्कोपी है ये बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर इमेजिंग पर्पसेस और यहाँ पे हम TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसकी आपको कुछ स्पेसिफिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये सिर्फ रेयर, जब कोई लाइट किसी मीडियम से रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तभी ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब प्लास्टिक है यहाँ पे तो लाइट जब प्लास्टिक से एयर मीडियम में जाएगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। सो ये आपको पहली चीज याद करनी है। दूसरी चीज ये कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसके लिए हमें एक क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल से ज्यादा एंगल चाहिए होता है। अगर क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल से ज्यादा नहीं होगा तो जो रे होगी वो आउटसाइड चल जाएगी। तो ताकि रे जो है दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाए एक इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो ये अगर हमारा एक इंसिडेंस एंगल है तो इसकी एक मिनिमम अमाउंट है जिसके कारण ही ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पाएगी। तो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। एंडोस्कोपी अ टेक्निक यूज्ड टू एक्सप्लोर द स्टमक इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ। सो इसका आंसर होगा ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेस ऑफ लेसिक। तो यहाँ पे रिसेंटली लेसिक, लेसर असिस्टेड इन सीटो केराटोलिसिस प्रोसीजर इज बेस्ड बीइंग यूज्ड फॉर विजुअल करेक्शन। तो हमें लेजर के रिलेटेड या लेसिक के रिलेटेड 3-4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स 2010 में। पहली स्टेटमेंट है लेसिक प्रोसीजर इज यूज्ड टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर्स। सेकेंड, इट इज अ प्रोसीजर दैट परमानेंटली चेंजेस द शेप्स ऑफ कॉर्निया। उसके बाद इट रिड्यूसेस द पर्सन डिपेंडेंट ऑन ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज। एंड फाइनली इट इज अ प्रोसीजर दैट कैन बी डन ऑन पर्सन ऑफ एनी एज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि लेसिक क्या है या उसकी यूटिलिटी क्या है। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिफ्रेक्टिव एरर्स क्या होते हैं आई के, या उसके कैसे उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं। सो लेट अस सी ऑल दीज थिंग्स इन द एक्सप्लेनेशन। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज लेसिक। लेसिक इज बेसिकली a technique that is used to perform eye surgeries using lasers. तो यहाँ पे हम लेजर यूज करते हैं टू करेक्ट द रिफ्रेक्टिव आई एरर्स। रिफ्रेक्टिव आई एरर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली एक ऐसी ऑप्टिकल इम्परफेक्शंस होती हैं जो कि आई में आ जाती हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर फोकसिंग ऑफ लाइट बाय द लेंस। यानी अगर हमारा जो आई के अंदर जो हमारा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, अगर हमारा वो प्रॉपर फोकसिंग नहीं कर पा रहा है लाइट की तो उसके कारण जो डिजीजेस या कुछ एरर्स जो ब्लर्ड विजन आएगी उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो इसके अंदर कौन कौन से एरर्स आते हैं, इसके अंदर आते हैं मायोपिया दैट इज द नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया दैट इज द फार साइटेडनेस और एस्टिग्मेटिज्म, यानी जिसमें हम सिलेंड्रिकल लेंस से जिसकी करेक्शन होती है तो वो होती है एस्टिग्मेटिज्म। तो ये 3 एरर्स जो है ये बेसिकली आते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स की कैटेगरी में और ये करेक्ट किए जा सकते हैं विद हेल्प ऑफ लेसिक। लेसिक इज बेसिकली एन एक्रोनिम फॉर द वर्ड लेजर असिस्टेड इन सीटो केराटोमेलिसिस और ये लेजर हम यूज करते हैं टू करेक्ट दी आई एरर। तो यहाँ पे हम आई एरर को करेक्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर यूज करते हैं, हम बेसिकली जो कॉर्निया है उसको रीशेप करते हैं ताकि जो उसकी फोकसिंग है लाइट की वो प्रॉपर हो सके ऑन दी रेटिना या विद हेल्प ऑफ द लेंस। तो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हम इनिशियली जो सर्जन होता है ही रिमूव्स कॉर्निया फ्लैप, treats the eyeball or lens with the help of laser and finally again places back the cornea flap to perform the LASIK surgery. तो ये जो LASIK surgery है, it can be after the correction of with help of LASIK surgery, person के जो glasses होते हैं, जो contact lenses होते हैं, वो सब remove हो जाता है and generally he is able to achieve the 6x6 vision. और इसके बारे में आपको एक ये चीज पता होनी चाहिए कि ये परफॉर्म किन इंडिविजुअल्स के बारे में की जा सकती है. ये जो लेसिक सर्जरी है, इट कैन ओनली बी परफॉर्म्ड ऑन दी पर्संस हु आर अबव द एज ऑफ 18 इयर्स. क्यों? क्योंकि 18 इयर्स से पहले जो होती है वो हमारी जो आई साइट की प्रिस्क्रिप्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करती रहती है. आपको पता होगा कि जो 18 ईयर से कम बच्चे हैं, अगर उनको स्पेक्स लगता है तो उनको कहा जाता है कि दे शुड हैव अ रेगुलर आई चेकअप आफ्टर 3 और 4 मंथ्स. क्यों? क्योंकि उनका जो नंबर है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रह रहा है. तो लेसिक सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी एक स्टेबल प्रिस्क्रिप्शन हो एटलीस्ट फॉर 1 ईयर और 2 ईयर्स, ताकि इसे लेसिक के लिए हम परफॉर्म कर सके. सो 18 ईयर से कम के कैंडिडेट्स के लिए हम लेसिक सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते. सो नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. LASIK is being used to correct the vision correction. Which of the following statement is not correct? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी statement सही नहीं थी. First, LASIK procedure is used to correct refractive errors of the eye. ये statement सही है. उसके बाद it is a procedure that permanently changes the shape of cornea. ये भी सही है. Third, it reduces a person's dependence on glasses or contact lenses. ये भी सही है. And last statement is it is a procedure that can be done on person of any age. तो क्योंकि यहाँ पे word any use है, इसलिए statement गलत है. It can be only be performed in the persons of age 18 years or above. So D इसका incorrect statement है, तो answer होगा D. Next question देखते हैं. So next दो question देखते हैं जो कि होंगे on the basis of bioinformatics. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. ये पूछा गया था 2016 के प्रीलिम्स में. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम समटाइम्स सीन इन यूज रेफर्स टू. यानी जो ट्रांसक्रिप्टोम की टर्म है उसका मतलब क्या है. फर्स्ट, अ रेंज ऑफ एंजाइम्स यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग. सेकंड, फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म. सी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन. एंड फोर्थ, अ मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस टेकिंग प्लेस इन सेल्स. तो हमें बताना है कि ट्रांसक्रिप्टोम का मतलब क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सिमिलर है, ट्रांसक्रिप्टोम से ही डिराइव्ड है कहीं ना कहीं, वो है एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटर्मिन द अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजीशंस ऑफ जीन्स और डीएनए सीक्वेंसेस ऑन अ क्रोमोसोम. हाउ डज दिस नॉलेज हेल्प्स अस. हमें बताना है कि जो डीएनए सीक्वेंसिंग की नॉलेज है वो हमें कैसे हेल्प करती है या बेनिफिट करती है. तो हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट बेनिफिट्स हैं डीएनए सीक्वेंसेस के. फर्स्ट, इट इज पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइवस्टॉक. Second, it is possible to understand the causes of all human diseases. Third, it is possible to develop genetic resistance animal breeds. तो हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन से सही statements हैं. तो सबसे पहले bioinformatics होती क्या है. बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो बेसिकली एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जहाँ पे हम बायोलॉजिकल डेटा को हम स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं विद हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो ये जो टर्म है सबसे पहले कॉइन की गई थी 1970 में बाय पॉलिन हॉगवेग एंड बेन हेस्पर. तो इन्होंने इसे कॉइन किया था 1970 में. इसका यूज क्या है. इसका यूज है टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स विद इन द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस. यानी जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है यानी डीएनए आरएनए है या जो प्रोटीन्स हैं उनकी सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स को जनरली यूज करते हैं. और इसकी बाकी यूजेस क्या हैं. दिस इंक्लूड्स मैपिंग एंड एनालाइजिंग डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस, क्रिएटिंग एंड व्यूइंग 3D मॉडल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर. यानी जो भी बॉडी के अंदर जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं उनको मैप करना है, उनको एनालाइज करना है और उनके मॉडल्स को क्रिएट करना है. सो ये बेसिकली एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम बॉडी के अंदर जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. यानी बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको समझ रहे हैं. सो इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं तो उसलिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं. डिफरेंट सब फील्ड्स हैं इसके अंदर जहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हम डीएनए को स्टडी करते हैं तो वो होते हैं जिनोमिक्स. आरएनए को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो होंगे ट्रांसक्रिप्टोमिक्स. जहाँ पे हम प्रोटीन्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो होंगे प्रोटियोमिक्स. तो डिफरेंट फील्ड्स हैं ऑन द बेसिस कि हम कौन सी कैटेगरी को स्टडी कर रहे हैं या स्टडी करना चाहते हैं. जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स यानी डीएनए आरएनए को स्टडी करता है, उन्हें एनालाइज करता है. तो इससे रिलेटेड हमने 2 टर्म्स पहले देखी थी. सबसे पहली थी जीनोम और सेकंड है ट्रांसक्रिप्टोम. अब हम उनको डिस्कस करेंगे. जीनोम क्या है. जीनोम बेसिकली इज अ जेनेटिक मटीरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो जीनोम जो है वो वर्ड डिराइव किया गया है वर्ड जीन से, तो वहां से आया है जीनोम. इसके अंदर हम हर टाइप के जीन्स इंक्लूड करते हैं. कोडिंग जीन्स हो या फिर नॉन कोडिंग डीएनए हो, तो कोई भी तरह का डीएनए वो हम जिनोम के अंदर स्टडी करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं. सो इस ब्रांच ऑफ स्टडी को कहते हैं, जो जिनोम को स्टडी करते हैं वो होती है जिनोमिक्स. जो जिनोमिक्स है आपको याद रखना है कि सिर्फ डीएनए, कैसा डीएनए इंक्लूड करती है. इट कैन इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इट कैन इंक्लूड क्लोरोप्लास्ट डीएनए, इट कैन इंक्लूड न्यूक्लियर डीएनए, बोथ नॉन कोडिंग एज वेल एज कोडिंग. तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें सारे टाइप के डीएनए की हम सीक्वेंसिंग करते हैं. सबसे पहले जो डीएनए सीक्वेंस हुआ था वो हुआ था 1977 में, ऑफ द फर्स्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वाज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. तो ये पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म था या बैक्टीरिया था जिसकी जिनोम सीक्वेंसिंग की गई थी. उसके बाद ये प्रोसीजर बहुत बार रिपीट किया गया ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूकैरियोट्स लाइक बेकर्स यीस्ट. उसके बाद इन यूकैरियोट्स ऑल्सो दिस वॉज रिपीटेड इन 1998. तो जिनोम जो है डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जो जिनोम है वो स्टडी किया गया है, उसको सीक्वेंस किया गया है ताकि हम इन इंडिविजुअल्स के ओरिजिन और इनके बारे में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको स्टडी कर सके और उसको उस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सके इन बायोटेक्नोलॉजी. तो इसके लिए जो डीएनए सीक्वेंसिंग की जो हम टेक्निक यूज करते हैं टू स्टडी दिस डीएनए स्ट्रैंड्स, वो होती है जो टेक्निक है उसका नाम है शॉटगन सीक्वेंसिंग. इसका नाम शॉटगन सीक्वेंसिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि लाइक शॉटगन बहुत ही रैंडम शूटिंग कर सकती है ऑन रैंडम इंटरवल्स, वैसे ही यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड्स है वो डिफरेंट रैंडम डीएनए स्ट्रैंड्स को सीक्वेंस करती है, स्टडी करती है. तो ये होती है शॉटगन सीक्वेंसिंग और इसे ही हम जनरली यूज करते हैं टू स्टडी द डीएनए. नेक्स्ट टर्म है ट्रांसक्रिप्टोम. ट्रांसक्रिप्टोम जो है अनलाइक जिनोम जहाँ पे हम सिर्फ डीएनए पे स्टडी कर रहे थे, ट्रांसक्रिप्टोम जो है वो स्टडी करती है आरएनए मॉलिक्यूल्स को. तो आपको ध्यान रखना है कि जो डीएनए से रिलेटेड स्टडी होती है वो होती है जिनोम, और जो आरएनए मॉलिक्यूल से रिलेटेड स्टडी होती है या उसकी कोडिंग होती है वो होती है ट्रांसक्रिप्टोम. अब यहाँ पे जो आरएनए होता है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. मैसेंजर आरएनएज होते हैं, टीआरएनएज होते हैं, आरआरएनएज होते हैं. डिफरेंट टाइप की हमारी बॉडीज में आरएनएज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म. क्या वो मैसेंजर है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, क्या वो, तो जो फंक्शन वो आरएनए परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में उस हिसाब से आरएनएज होते हैं. तो मोस्टली जब हम ट्रांसक्रिप्टोम की बात करते हैं हम एमआरएनएज की बात करते हैं. तो ये जो ब्रांच है जो ये स्टडी करती है, जिस मेथड को हम यूज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसक्रिप्टोम स्टडी करने के लिए, वो होती है ट्रांसक्रिप्टोनॉमिक्स. ये ब्रांच ऑफ स्टडी है और इसमें टेक्निक जो यूज होती है वो होती है माइक्रो एरेज या फिर आरएनए सीक्वेंसिंग. तो ये जो दोनों टेक्निक्स है वो बेसिकली आरएनए को स्टडी करने के लिए यूज की जाती हैं. अब आपको ध्यान रखना है कि जिनोम और ट्रांसक्रिप्टोम में फर्क यही रहता है कि जो ट्रांसक्रिप्टोम है वो आरएनए को स्टडी करते हैं, और क्योंकि आरएनए जो होते हैं वो बहुत ही एक्टिव सब्सटेंस को में इंक्लूड होते हैं, वो स्टैटिक नहीं रहते, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चेंज करते हैं, वेरी करते हैं विद एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो इसलिए ट्रांसक्रिप्टोम को स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एज कम्पेयर टू जिनोम. सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो कि जिनोम स्टडीज के ऊपर बेस्ड हैं. हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जो जिनोम है वो अभी तक स्टडी किया गया है. सबसे पहला ऐसे 1970s में किया गया था. तो ह्यूमंस के ऊपर भी ऐसे जिनोम स्टडीज की गए हैं. सबसे पहला जो ह्यूमन जिनोम के ऊपर स्टडी किया गया था वो किया गया था यूएस का एक प्रोजेक्ट था दैट स्टार्टेड इन 1984 एंड इट वॉज कम्प्लीटेड इन 2003. तो ये एक यूएस गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था और इसमें बाकी यूनिवर्सिटीज में भी सपोर्ट किया था उसे. यूके गवर्नमेंट ने, जापान, फ्रांस, जर्मनी और चाइना भी इसका पार्ट था. आपको ध्यान रखना है कि इंडिया वाज नॉट पार्ट ऑफ ह्यूमन जिनोम प्रोजेक्ट. तो इस प्रोजेक्ट से फायदा क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट के कारण हम बेसिकली जो ह्यूमन के अंदर जीन्स है, प्रोटीन्स है, उसको हमने उसको एनालाइज किया, उसको लिस्ट डाउन किया और हमें पता लगा कि ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से जीन्स है. सो इसकी की फाइंडिंग्स ये रही कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 22,300 प्रोटीन कोड्स जीन्स इन ह्यूमंस और सिर्फ 7% ऐसे प्रोटीन फैमिलीज हैं जो कि ह्यूमन स्पेसिफिक हैं या वर्टिब्रेट स्पेसिफिक हैं. बाकी सारी प्रोटीन जो होते हैं वो सिमिलर ही रहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में. इसकी यूटिलिटी क्या रहती है, इसकी यूटिलिटी रहेगी इन स्टडिंग सोल्यूशन टू फाइंड सोल्यूशंस इन डिफरेंट डिजीज, यानी डिफरेंट डिजीजेस के जो कॉजेज हैं हम उनको फाइंड कर सकते हैं. जो भी ह्यूमन के जीन्स में म्यूटेशंस आते हैं उससे रिलेटेड जो चेंजेस आ सकते हैं हम उसको स्टडी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली डीएनए का मटेरियल या डेटा होगा. उसके अलावा ह्यूमंस के अलावा हम और भी जगह पे इस फील्ड को यूज कर सकते हैं। अगर हम जीनोम स्टडीज की बात करें तो हम उसको यूज कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर या बायोटेक्नोलॉजी में। आपने देखा होगा कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, तो वहां पे हम एक बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है उसको यूज करके उसके प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर रहे थे। तो अगर हमें ऐसे डिफरेंट बैक्टीरिया या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट स्पेशल ट्रेट्स पता है, तो उसको अगर हमें स्टडी किया हुआ, हमने उनके जीन्स के बारे में हमें नॉलेज है, तो उसको हम यूज कर पाएंगे। सो यही बेनिफिट रहता है जीनोम स्टडीज का। उसके बाद लेटेस्ट इनिशिएटिव, ये तो ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था वो खत्म हो गया था 2003 में, लेकिन उसके बाद डिफरेंट और भी जीनोम स्टडीज रिलेटेड प्रोजेक्ट आए हैं डिफरेंट कंट्रीज में। उसमें से सबसे लेटेस्ट है ह्यूमन जीनोम राइट। ये जो ये बेसिकली एक सेकेंड पार्ट माना जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वहां पे हमने अपने आपको रिस्ट्रिक्ट किया था टू लिस्ट डाउन द डिफरेंट प्रोटीन कोड्स, यानी हमने जो भी डिफरेंट हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स थे, डीएनए थे, हमने सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को लिस्ट डाउन किया था। यहाँ पे उसकी बेसिकली एक एक्सटेंशन देखी गई है जहाँ पे हमने इसको राइट किया है। राइट से मतलब है कि हम उस जीनोम की सिंथेसिस को देखेंगे, टेस्टिंग को देखेंगे, उसकी एनालिसिस पे बेसिकली ध्यान रखेंगे। तो ये है एचजीपी राइट या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो इम्प्लीमेंट होगा, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ न्यू इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इंजीनियरिंग बायोलॉजी। अनलाइक जो पिछली जो जीनोम प्रोजेक्ट था वो यूएस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, ये इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लीड करेगी इस प्रोजेक्ट को, और इसकी बेनिफिट वही रहेंगे। इट विल हेल्प अस टू इंजीनियर डिफरेंट कैंसर रेजिस्टेंट सेल्स एंड डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट कैन हेल्प अस मैन्युफैक्चर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्सीन्स एंड फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट्स में ये हमें प्रोजेक्ट हेल्प करेगा। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि जीनोम स्टडीज के ऊपर ही बेस्ड है, वो जो लेटेस्टली स्टार्ट हुआ है वो है अर्थ बायोजेनोम प्रोजेक्ट। तो ये जो अर्थ बायोजेनोम प्रोजेक्ट है ये सबसे बड़ा अभी तक का जीनोम स्टडी प्रोजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा टारगेट है कि 1.5 मिलियन स्पीशीज को हम कवर करेंगे जो कि बेसिकली यूकैरियोट्स होंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ जो हमारा टारगेट होगा वो यूकैरियोट्स की स्टडी के ऊपर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यूकैरियोट्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई और प्रोटोजोआ। तो ये बैक्टीरियाज यूकैरियोट्स में नहीं आते क्योंकि वो सिंगल सेलुलर होते हैं। यूकैरियोट्स में जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लस कुछ यूनिसेलुलर भी आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रोजेक्ट है अर्थ बायोजेनोम प्रोजेक्ट, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू यूकैरियोट्स। यहाँ पे ये जो ईबीपी प्रोजेक्ट है, अर्थ बायोजेनोम प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली 10 इयर्स की टाइम फ्रेम के साथ सेट हुआ है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई गई है 4.7 बिलियन। इसमें डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व है, डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व है, लाइक अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूएस, प्लस कुछ एनजीओज भी इन्वॉल्व है लाइक ग्लोबल जीनोम बायोडाइवर्सिटी नेटवर्क, ग्लोबल इनवर्टिब्रेट जीनोमिक्स अलायंस। तो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका पार्ट है, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी अर्थ बायोजेनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम कई बार हमसे पूछ लेते हैं मैच द फॉलोइंग में या फिर करेक्ट सीक्वेंस कोड में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि जीनोम स्टडीज के ऊपर बेस्ड है, वो है 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये भी एक जो प्रोजेक्ट है वो लीड कर रही है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इसका टारगेट है टू स्टडी द जीनोम्स ऑफ 1 लाख एशियन इंडिविजुअल्स। क्यों? क्योंकि एशियन पॉपुलेशन स्पेसिफिक कुछ ऐसे डिजीज होते हैं लाइक ट्रॉपिकल डिजीज लाइक मलेरिया, ताकि उनके जीन्स को हम स्टडी करके उसकी वैक्सीन बना सकें या उसके ट्रीटमेंट्स को डिजाइन कर सकें। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये स्पेसिफिक टू एशिया है और इसको लीड कर रही है, इसके फाउंडिंग पार्टनर्स जो हैं दो ऑर्गेनाइजेशन है, वन इज मेड जीनोम और दूसरी है एनटीयू सिंगापुर। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी फाउंडिंग मेंबर है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि जीनोम स्टडी से स्टार्ट हुआ हुआ है, वो है 1000K जीनोम प्रोजेक्ट। अनलाइक 100K जीनोम एशिया प्रोजेक्ट जो कि सिर्फ एशियन ह्यूमंस को स्टडी कर रहा है, 1000K जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली सिर्फ ह्यूमंस पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसका एम है कि हम 1000K इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जीनोम को स्टडी करें और सीक्वेंस करें। तो यहाँ पे हमारा फोकस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉट ह्यूमंस। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दो प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे जो कि इंडिया स्पेसिफिक स्टार्ट हुए हैं। अभी ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो है अभी सिर्फ डेवलपमेंटल स्टेजेस में है या प्लानिंग बेसिस पे है, अभी ये इनकी कंप्लीशन नहीं हुई है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो कि IISC का इनिशिएटिव है, यानी IISC बैंगलोर जो है उसका इनिशिएटिव है। इन्होंने अपना जो टारगेट है उसमें 10,000 इंडिविजुअल्स को कवर करेंगे, जिसमें से 2,000 इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो लिंग्विस्टिक एथनिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनके स्पेसिफिक जो डिजीजेस हैं या उनके स्पेसिफिक जो उनका जीन क्राइटेरिया है उसको स्टडी इन्होंने स्पेसिफिकली इंक्लूड की है। तो इस प्रोजेक्ट में IISC के साथ IBSD भी इंक्लूड होगा, जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, वो भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट इनिशिएटिव की बात करते हैं, जो कि अगेन एक इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव है, इंडियन जिनोम को स्टडी करने के लिए है, वो है CSIR का इनिशिएटिव। तो CSIR का जो इनिशिएटिव है वो एक्चुअली तो 10,000 इंडियन जिनोम्स को स्टडी करने का एक प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके अंदर एक सब इनिशिएटिव रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे हमने स्पेसिफिकली 1000 रूरल यूथ से स्टार्ट किया है इस प्रोजेक्ट को। और यहाँ पे इसकी जो मेथोडोलॉजी रहेगी वो होगी कि हम जो यंग रिक्रूट्स हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, उनका जो जिनोम है, उनका जो जेनेटिक्स है, उनको स्टडी करके, उनको उनके ब्लड सैंपल्स के थ्रू उनको स्टडी करके उनको एक डिस्क्रिप्शन देंगे, उनको प्रिस्क्रिप्शन देंगे, ताकि वो अपने जेनेटिक मटेरियल्स को स्टडी करें और उनके जो वेरिएंट्स हैं ताकि उन्हें पता चले। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो कि जिनोम स्टडी से रिलेटेड है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, वो है जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन का जो मतलब है वो है इट इज बेसिकली अ प्रोसेस बाय विच DNA बाय यूजिंग द DNA इन्फॉर्मेशन अ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। तो जो DNA आपको पता है इट इज बेसिकली अ थिंग विच कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की हेल्प से कैसे राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे DNA और RNA की हेल्प से हम जीन एक्सप्रेशन करते हैं। जीन एक्सप्रेशन में कुछ सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है ट्रांसक्रिप्शन, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग, उसके बाद है नॉन कोडिंग RNA मैच्योरेशन, नेक्स्ट है RNA एक्सपोर्ट, फिर है ट्रांसलेशन एंड फाइनली प्रोटीन फोल्डिंग। तो ये इन प्रोसेसेस के हेल्प से जीन एक्सप्रेशन होता है या प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं विच आर डन बाय राइबोसोम्स। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, जो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेगमेंट ऑफ DNA इज यूज टू जनरेट एन RNA टेम्पलेट। यानी यहाँ पे हम DNA की इंफॉर्मेशन यूज कर DNA में जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके हेल्प से एक mRNA तैयार करेंगे, टेम्पलेट तैयार करेंगे RNA का। तो इसे हम कहेंगे प्री मेच्योर mRNA या फिर mRNA। उसके बाद ये जो प्री मेच्योर mRNA है, एक ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट हमारा RNA का तैयार हो गया है, ये मॉडिफाई होता है इनटू मैच्योर मैसेंजर RNA। इस मैच्योर मैसेंजर RNA में सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो mRNA है उसमें बेसिकली दो टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो कि कोडिंग के लिए चाहिए होगी, हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए होगी, और कुछ नॉन कोडिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो क्योंकि सिर्फ हमें कोडिंग इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होती है, तो हम जनरली नॉन कोडिंग पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं इस प्रोसेस में। नॉन कोडिंग पार्ट्स जो होते हैं ट्रांसक्रिप्टोम के या RNA के, उसे हम कहते हैं इंट्रॉन्स, और जो कोडिंग पार्ट्स होते हैं उसे कहते हैं एक्सॉन्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये टर्म्स काफी बार न्यूज में रहती हैं, तो ये भी पूछी जा सकती हैं। उसके बाद क्या होता है, जो जनरली नॉन कोडिंग RNA है उसकी मैच्योरेशन होती है, उसके हेल्प से हम ट्रांसक्राइब करते हैं उसको, उससे उसकी हेल्प से हम डिजाइन करते हैं प्री rRNA या राइबोसोमल RNA। उसके बाद जो ये RNA होता है, राइबोसोमल RNA होता है, इसको हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म सो दैट इन द राइबोसोम्स प्रोटीन्स कैन बी सिंथेसाइज। फाइनली क्या होता है, mRNA कैरीज द इंफॉर्मेशन नीडेड टू कोड फॉर प्रोटीन्स and transfer the tRNA which carries an amino acid। ट्रांसफर RNA जो होते हैं वो एक अमाइनो एसिड कैरी करते हैं जो कि फाइनल हमें कोडिंग के लिए या फाइनल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। एंड फाइनली दिस प्रोटीन इज फोल्डेड इनटू अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हर प्रोटीन में हमें 3 अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, तो वो प्रोटीन फोल्डिंग होती है फाइनल स्टेज में। सो इस तरीके से हमारा प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ टर्म्स थी जो कि काफी बार न्यूज में रहती हैं, डायरेक्टली पूछी भी जा सकती हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो पहला क्वेश्चन था कि हमें पूछा गया था व्हाट डज द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम मींस। तो ट्रांसक्रिप्टोम का मतलब है फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आर रेफर्ड टू ट्रांसक्रिप्टोम। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो जीनोम होता है वो DNA होता है और ट्रांसक्रिप्टोम जो होता है mRNA को रेफर करता है। तो इसका आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 2011 में। यहाँ पे हमें बताया गया है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग DNA या फिर उसकी DNA को पढ़ने के या जीनोम प्रोसेस के जो जीनोम सीक्वेंसिंग हमने पढ़ी थी उसके क्या बेनिफिट हैं। पहला है इट इज पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ द लाइवस्टॉक, तो ये स्टेटमेंट सही है। पेडिग्री ऑफ लाइवस्टॉक से हमारा मतलब होता है कि जो लाइवस्टॉक की प्रॉपर जीन एनालिसिस है वो हमें पता लगता है। सेकेंड है इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ ह्यूमन डिजीजेस, तो ये भी सही है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस के हमें कॉजेज पता लग सकते हैं लाइक अल्जाइमर, कैंसर, तो ये हमें हेल्प करेगा विद हेल्प ऑफ DNA सीक्वेंसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। थर्ड है इट इज पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेसिस्टेंट एनिमल ब्रीड्स, तो ये भी सही है कि हम आपको बता चुके हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग की हेल्प से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स तैयार कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question है, with reference to the treatment of cancerous tumors, a tool called cyber knife has been making the news. Which of the following statements is not correct in reference to cyber knife? तो ये पूछा गया था prelims 2010 में और हमें पूछा गया है कि cyber knife के related इनमें से कौन सी statement सही नहीं है। पहली है, it is a robotic image guided system. It delivers an extremely precise dose of radiation. Third, it has the capability of achieving sub-millimeter accuracy. And finally, it can map the spread of tumor in the body. तो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। So what is CyberKnife? CyberKnife basically एक रेडिएशन थेरेपी डिवाइस है जो कि मैन्युफैक्चर की थी एक्यूरेसी इनकॉर्पोरेट ने। ये बेसिकली एक डिवाइस है जिससे हम सर्जरी कर सकते हैं, नॉन इन्वेसिव सर्जरी का मेथड है टू ट्रीट कैंसरस एज वेल एज नॉन कैंसरस ट्यूमर्स। ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर इज बेसिकली व्हेन अ सेल starts to multiply indefinitely, यानी एक सेल जो है उसमें मल्टीपल सेल डिवीजन हो रही है और इसीलिए ये क्या होता है, ये अगर ये स्टेज पे आ गया है, ये कैंसर बन गया है, यानी ये बाकी बॉडी ऑर्गेनिजम्स को हार्म करने लगा है, तो हम उसे कहेंगे कि वो ट्यूमर जो है वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है साइबर नाइफ। तो साइबर नाइफ की खासियत रहती है कि इट कैन डिलीवर हाई डोजेस ऑफ रेडिएशन विद वेरी हाई एक्यूरेसी। तो यानी अगर हमें बहुत ही कम रेडिएशन भी देनी है विद हाई एक्यूरेसी तो हम साइबर नाइफ को यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं एक रोबोटिक आर्म, यानी एक रोबोट की हेल्प से जो हम डिलीवर करते हैं ये डोसेज। तो इस रोबोट को का नाम है लिनैक या फिर लाइट वेट लीनियर एक्सेलरेटर। ये इसकी हेल्प से हम इस डोसेज को डिलीवर करते हैं। इस डिवाइस की अगर हम बात करें, इट कंबाइंस अ कम्पैक्ट लीनियर एक्सेलरेटर, जैसे कि इसके नाम में भी है, which is mounted on a robotic manipulator. तो इस robotic device में basically एक linear accelerator होता है जो कि एक manipulator पे situated होता है। तो उसकी help से हम एक basically एक hand device की तरह आप इसे मान सकते हैं। इसके अंदर एक accelerator है ताकि वो speed दे सके और एक manipulator है ताकि वो उसकी वर्किंग को, उसके मोबिलिटी को डिफाइन कर सके। तो ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड इमेज गाइडेंस सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। सब इस सिस्टम को डिजाइन किया था जॉन आर एल्डर ने, जो कि एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और सबसे पहले इस सिस्टम को वहीं पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही इंस्टॉल किया गया था 1991। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इसकी एडवांटेज यही रहेगी कि इट कैन ट्रीट ट्यूमर्स विद हाई एक्यूरेसी। जनरली कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और उसमें चांसेस रहते हैं कि रिस्क बहुत फैक्टर हाई होता है। सो विद हेल्प ऑफ द साइबर नाइफ रोबोटिक आर्म, रिस्क फैक्टर इज रिड्यूस्ड बाय बिकॉज एक्यूरेसी इज वेरी हाई इन डिलीवरिंग द रेडिएशन डोसेजेस। सो अब हम अपने क्वेश्चन को आंसर करते हैं। विद रेफरेंस टू द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरस ट्यूमर्स, अ टूल कॉल्ड साइबर नाइफ हैज बीन मेकिंग द न्यूज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू साइबर नाइफ? फर्स्ट, इट इज अ रोबोटिक इमेज गाइडेड सिस्टम, तो ये सही है, ये एक रोबोटिक इमेज गाइडेड सिस्टम है। सेकेंड, इट डिलीवर्स एन एक्सट्रीमली प्रिसाइज डोज ऑफ रेडिएशन, ये भी सही स्टेटमेंट है। उसके बाद है इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ अचीविंग सब मिलीमीटर एक्यूरेसी, तो ये भी सही है क्योंकि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी दे सकता है, सब मिलीमीटर एक्यूरेसी दे सकता है। एंड लास्ट है इट कैन मैप द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर्स इन द बॉडी, तो ये सही गलत है। क्यों? क्योंकि ये मैपिंग नहीं कर सकता, ये बेसिकली डोसेज डिलीवरी डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा डी, क्यों? क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी विच इज अ न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच, इट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, दिस वाज आस्क्ड इन प्रीलिम्स 2000, ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, बी इंटरफेरॉन्स, सी एंटीबॉडीज या डी अल्कोहल। तो इनमें से किसके लिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज होती है? So hybridoma technology की अगर हम बात करें, it is basically a method to produce large number of identical antibodies. ऐसी antibodies जो कि बहुत ज़्यादा identical हैं, एक ही type की हैं, उन्हें हम monoclonal antibodies भी कहते हैं। So hybridoma technology होती है, इसलिए use होती है ये। उसके बाद ये प्रोसेस जो है इसको सबसे पहले यूज किया गया था मैमल्स के अंदर। वहां पे हम क्या करते हैं, एंटीजन इंट्रोड्यूस करते हैं एक मैमल के अंदर, ताकि उसकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट करे। और फाइनली एक बार ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं तो ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है एंड फाइनली मल्टीपल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर क्रिएटेड इन द मैमल। तो ये इसका प्रोसेस है जहाँ पे हम हाइब्रिडोमास की हेल्प से मल्टीपल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। ये जो प्रोसेस है इट वाज इन्वेंटेड बाय सीजर मिल्स्टन एंड जॉर्जेस जेएफ कॉलर इन 1975 हु आल्सो शेयर्ड द नोबेल प्राइज ऑफ 1984 फॉर इट्स डिलीवरी। जो हाइब्रिडोमा टर्म है इसको कॉइन किया था इन 1976-77 बाय द साइंटिस्ट लेनॉर्ट हर्जेनबर्ग। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए टू आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे पहली टर्म है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है वो दीज आर बेसिकली मेडिसिन दैट आर यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ एनी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी हम एंटीबायोटिक्स में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी दूसरा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो एंटीबायोटिक्स भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरल जो कि किल करती है वायरस को, एंटीबैक्टीरियल जो कि किल करेंगी बैक्टीरिया को। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, चाहे वो एंटीवायरल हो, एंटीबैक्टीरियल हो, एंटी फंगल हो, तो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक तैयार की गई थी वो तैयार की गई थी 1929 बाय द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो उन्होंने यूज किया था फंजाई, पेनिसिलियम फंजाई की हेल्प से उन्होंने एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग तैयार की थी पेनिसिलिन। तो ये एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई या स्टैफिलोकोकाई को किल कर सकता था एंड दिस वाज बेसिकली एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। तो ये ध्यान रखना है और ये पहली बायोटिक थी जो कि प्रिपेयर की गई थी। उसके बाद आज की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज में रहती हैं which are used these days. Antibiotics are being produced for different types of bacteria and fungi. और सबसे common antibiotics की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं streptomycin, tetracline, erythromycin। तो ये बहुत ही ज़्यादा common एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इन रेफरेंस टू टीबी आपने पढ़ा होगा कि एमडीआर पढ़ा था लास्ट टाइम। हमने जब टीबी पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि क्योंकि एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीबी आ गए हैं, एमडीआर टीबी, एक्सडीआर टीबी। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म देखते हैं, अब हम देखते हैं इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स जो है वो बेसिकली एक टाइप ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी रिलीज करती है व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस इंटरैक्ट विद इट। तो ये बेसिकली एक सिग्नलिंग सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो कि बॉडी रिलीज कर रही है ऑन सीइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। इससे क्या इसका फंक्शन क्या रहता है, इंटरफेरॉन्स का फंक्शन रहता है इट एक्टिवेट्स इम्यून सेल्स सच एज नेचुरल किलर सेल्स एंड माइक्रोफेजेस। उसके अलावा इट ऑल्सो इंक्रीज होस्ट डिफेंसेस बाय अप रेगुलेटिंग एंटीजन प्रेजेंटेशन। यानी हमारी बॉडी जो है एंटीजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते थे जिसके रेफरेंस के कारण एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगी। उसके अलावा इट ऑल्सो गिव सिम्टम्स टू आवर बॉडी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस आर अटैकिंग इट लाइक सिम्टम्स लाइक फ्लू, फीवर, मसल पेन। तो ये सारे जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो भी इंटरफेरॉन्स के कारण ही हो रहे हैं। तो ये दो टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, काफी ज्यादा न्यूज में भी रहती हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को आंसर करते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था जो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है इट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ। तो इसका आंसर रहेगा ए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यानी आइडेंटिकल सिमिलर एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन के लिए, आर्टिफिशियल प्रोडक्शन के लिए हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। सो इसका आंसर होगा ए। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको खुद ट्राई करने हैं। पहला क्वेश्चन है रिलेटेड, ये जो क्वेश्चंस होंगे जो आज के क्वेश्चंस जो आपको खुद ट्राई करने हैं ये बेसिकली हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज और साइंटिस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। पहली लिस्ट में हमें साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं और दूसरे में उनकी अचीवमेंट्स या उनकी डिस्कवरीज दी गई हैं। सो हमें इन्हें मैच करना है। ये पूछा गया था 2002 के प्रीलिम्स में। पहला है आर्बर एंड स्मिथ। साइंटिस्ट के नाम की लिस्ट देखें तो आर्बर एंड स्मिथ, बी फेल्डमैन, सी म्यूलिस और डी टेमिन। अचीवमेंट्स की बात करें तो दे डेवलप ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद एग्रोबैक्टीरियम, डिस्कवर्ड एंडोन्यूक्लियासिस, डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डिस्कवर्ड पॉलीमरेज बाल्टीमोर चेन रिएक्शन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरीज की थी। उसके अलावा आपको ये भी इस क्वेश्चन के साथ आपको आंसर करना है कि एंडोन्यूक्लियस और ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम्स हैं या जो जेनेटिक एंजाइम्स हैं ये किस लिए यूज होते हैं, बिकॉज ये भी बहुत ज्यादा यूज में रहते हैं, ये जीन एडिटिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ये भी आपको इन एंजाइम्स को भी पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको खुद ट्राई करना है वो है अगेन ऑन द अचीवमेंट्स इन जेनेटिक्स एंड साइंटिस्ट, लिस्ट यहाँ पे दी गई है, ये पूछा गया था 2001 के प्रीलिम्स में। पहली लिस्ट में हमें अचीवमेंट्स दी गई हैं, फर्स्ट लिस्ट डिस्कवरी ऑफ ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, एस्टैब्लिशिंग द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सी आइसोलेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ई कोलाई एंड डी एस्टैब्लिशिंग द कंप्लीट जेनेटिक कोड। तो साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं यहाँ पे खुराना, कोरनबर्ग, लेडरबर्ग, मॉर्गन एंड ओकोआ। तो आपको बताना है कि इनमें से ये जो डिस्कवरीज हैं किस साइंटिस्ट ने की है। लास्ट क्वेश्चन जो आपको खुद ट्राई करना है वो है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क परफॉर्मेंस ऑफ डॉक्टर वीर मोहन रेड्डी एंड इंडियन बॉर्न डॉक्टर वर्किंग इन यूएसए ड्यूरिंग फरवरी 2005। तो ये जो साइंटिस्ट है इनकी रिसेंटली अभी डेथ भी हुई थी, तो भी ये काफी ज्यादा न्यूज में थे। तो ये आपको बताना है कि इनकी डिस्कवरी जो थी वो बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी, तो वो किस रेफरेंस में, क्या डिस्कवरी इन्होंने की थी। A, research on human stem cell which is likely to revolutionize treatment of deadly diseases like cancer. Second, open heart procedure called arterial switch performed on an infant. Third, research on genetic engineering which can help treat diseases like AIDS. And finally, successful brain surgery to revive the function of nearly dead brain premature born infant. तो इन्होंने क्या miracle perform किया था ये आपको बताना है। So friends, ये तीन questions थे, आपको खुद try करने हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो कि आपको ध्यान रखना है, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा रह रही हैं, ये भी आपको पढ़नी है और देखना है कि ये किसके रेफरेंस में है। इन टेक्नोलॉजीज में आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये पता होनी चाहिए कि ये किस रेफरेंस में ये टर्म यूज होती है। कभी भी यूपीएससी ऐसा नहीं पूछेगा कि वो आपसे डिटेल पूछेगा टेक्नोलॉजीज की, वो सिर्फ ऊपर से इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछता है ताकि वो चेक करे कि आपकी करंट नॉलेज है या नहीं। तो ये टर्म्स आपको पढ़नी है, पहली है फ्लिंक, दूसरी है स्पीड ब्रीडिंग टेक्निक जो कि वीट प्रोडक्शन के रेफरेंस में यूज हो रही है आजकल, थर्ड टर्म है जीन साइलेंसिंग एंड फाइनली जीन एडिटिंग यूजिंग द क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। तो ये चार टेक्नोलॉजीज या टर्म्स हैं आपको जो पढ़नी है अपने आप। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल बी बैक टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए बाय।